शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय संगीता। हाय कल्पना। तुम इतनी जल्दी क्यों रहती है? नमस्ते। आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे यार, आज जो मेरी शामत आई तो मम्मी से कह दिया कि ड्रेस पर इस्त्री कर दो फटाफट। बस फिर क्या था, न ड्रेस रही न इस्त्री। अरे हुआ ये कि मैं कृष्णचंद्र का उपन्यास कागज के नाव पढ़ रही थी और उनकी भाषा का जादू तो तुम जानती हो, बस भूल ही गई कि गरम इस्त्री मैंने ड्रेस पर रखी थी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें नया ड्रेस ला दूंगी। हाँ अच्छा, मैं जरा जीवन स्टोर की तरफ जा रही हूँ, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी, तुम दोनों जाओ। हाँ अच्छा। मदन, वो कुलभूषण का क्या हुआ? हिज हिस्ट्री यार। अरे ए, क्या कर रही है? लिफ्ट मांग रही हूँ। खैर अभी आई। हाँ किधर जा रहे हैं आप? आप जिधर ले जाएं। सुनिए, मेरी एक फ्रेंड भी है, मैं अभी आई। हाँ चलिए, लिफ्ट मिल गई, पहुंच जाएंगे फटाफट। तू जा। कर यार, जो लोग लिफ्ट देते हैं ना, कभी कभी वो मीटर से ज्यादा किराया ले लेते हैं। मेरे लिए बस ही ठीक है, तू जा। ओके। ये एक दिन शुरू होता है, ये दिन भी गुजरे हुए कल और आने वाले कल ही की तरह है। जिंदगी का चक्कर कुछ अजीब है, कैलेंडर ना हो तो एक दिन दूसरे दिन से अलग करना मुश्किल है। हाँ, नए समाचार तक पुराने लगने लगे हैं, वही हिंदू मुसलमान दंगे, वही किसी नई पार्टी का जन्म, मंत्रियों के वही भाषण, हर चीज बासी। लेकिन जिंदगी फिर भी खूबसूरत है, ना होती तो हम लोग जिए क्यों चले जाते हुँ? जी मेरा नाम आनंद है, आनंद भटनागर, लेकिन मैं इस कहानी का नायक नहीं, सूत्रधार हूं और एक पात्र भी। यहां पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहता हूं। पिछले कई महीनों से सिर्फ गेस्ट हूं क्योंकि पे नहीं कर पाया। वैसे ये घर अशोक जी, संगीता जी का है। लोग कहते हैं कि ये संगीता जी बड़ी अकड़ू चीज है, अर्री नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। ये कहानी दरअसल इन्हीं की है, जीवन का अर्थ तलाश कर रही है, लेकिन अर्थ तो परछाई की तरह हाथ से निकल जाता है। ये जल्दी जल्दी बिस्तर लपेटने वाली गीता है, संगीता की छोटी विधवा बहन। आपने वो पौधे देखे होंगे जिन्हें पाला मार जाता है, जो ठिठुर जाते हैं, ये भी एक ठिठुरी हुई चूही की ताली है। ये भाभी हैं, अशोक जी की धर्म पत्नी। इनका अपना व्यक्तित्व खो चुका है, इसलिए ये भाभी, बहू या राधिका बबलू की मां कही जाती हैं। अपना नाम तो इन्हें शायद अब याद ही नहीं। ये संगीता जी का अंधा भाई है राजू, और ये हैं अशोक जी के बच्चे राधिका और बबलू। तीसरे का नामकरण अभी नहीं हुआ। अंकल को देख। बबलू के हाथ में जो कागज है वो मेरे लिए है, मैं गीता का रेडियो सिलोन हूँ ना, उसकी फरमाइश के गाने गाता हूँ। अंकल, अंकल। ए सुनो, मेरी शर्ट प्रेस मारो। ये अशोक जी हैं, अमर बेल की तरह जी रहे हैं संगीता नाम के वृक्ष का लहू चूसकर। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। पहले संगीता का ब्लाउज तो इस्त्री कर लूं। ए संगीता का लड़ साहब है, जब देखो तब संगीता संगीता, हटा इस ब्लाउज को। सम्राट अशोक की सुबह तो आज बहुत जल्दी हो गई। ये माँ जी हैं, मेरी नहीं, संगीता की माँ जी।
इनके पति जीवन धारा का तोड़ न सह सके तो संन्यास लेके कहीं चले गए, भाग गए। पति के होते हुए भी विधवा की तरह जिंदगी गुजार रही है माँ जी। जीवन प्रवाह में चट्टान की तरह अटक, पूरे परिवार का भार उठाए जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से बह रही है संगीता की जीवन धारा। माँ क्या है बेटी? मैं ऑफिस जा रही हूँ माँ। अच्छा हाय संगीता। हाय कल्पना, तुम इतनी जल्दी क्यों रहती है? नमस्ते। आज तुम्हें इतनी देर कैसे होगी? अरे यार आज जो मेरी शामत आई तो मम्मी से कह दिया कि ड्रेस पर इस्त्री कर दो फटाफट, बस फिर क्या था, ना ड्रेस रही ना इस्त्री। अरे हुआ ये कि मैं कृष्णचंद्र का उपन्यास कागज के नाव पढ़ रही थी। अच्छा। और उनकी भाषा का जादू तो तुम जानती हो, बस भूल ही गई कि गर्म इस्त्री मैंने ड्रेस पर रखी थी। अच्छा बाबा मैं तुम्हें नया ड्रेस ला दूंगी। हा? अच्छा मैं जरा जीवन स्टोर की तरफ जा रही हूँ, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी, तुम दोनों जाओ। हा? अच्छा मदन वो कुलभूषण का क्या हुआ? हिज हिस्ट्री यार। अरे ए, क्या कर रही है? लिफ्ट मांग रही हूँ। ठहर अभी आया। हेलो। किधर जा रहे हैं आप? आप जिधर ले जाए। सुनिए मेरी एक फ्रेंड भी है, मैं अभी आई। हाँ चलिए यार लिफ्ट मिल गई, पहुंच जाएंगे फटाफट। तू जा। कब आऊं यार? जो लोग लिफ्ट देते हैं ना कभी कभी वो मीटर से ज्यादा किराया ले लेते हैं, मेरे लिए बस ही ठीक है, तू जा। ओके। बाय। बैठ जाइए। इन माँ जी से क्यों नहीं कहते? इस सेंचुरी में तुम ही अकेले जवान नहीं हुए हो, इडियट। आज आपको डांट पड़ गई। ए मिस्टर डांट क्यों दिखा रहे हैं चिंपैंजी की तरह? ये चिंपैंजी क्या होता है दीदी? आदमी जैसा बंदर या बंदर जैसा आदमी? आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी। अब तुम्हारी घरवाली कैसी है? दीदी खराबी घरवाली में नहीं है, खराबी है जिंदगी के अर्थमेटिक में। तनख्वाह बढ़ती नहीं, डीए बढ़ता नहीं, दाम है कि बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमने मिलकर तय किया है कि वो लड़के मायके चली जाए, जब डीए बढ़ गया तो फिर मेल कर लिया। अरे, ये तो धोखा धड़ी हुई। इसमें धोखे की क्या बात है? मैं आपसे बात नहीं कर रही। टैक्सी। पिछले जन्म में ये जरूर ऑल इंडिया रेडियो रही होगी यार, एक मिनट इधर उधर नहीं होती। रूप कुमार जब घड़ी में चाबी भरेगा तो ये खुद बखुद से हो जाएगी यार। तब शायद हम लोगों का भी नंबर लग जाए, तब तक चुपचाप खड़े रहो क्यों में।
Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आज सिर्फ एक ही खत है. यू नो हिंदी? यस सर. देन टेक इट डाउन इन हिंदी. माय डियर संगीता, मुझे संगीत का बड़ा शौक है. धीमी सी रोशनी हो, धीमा धीमा संगीत, हम तुम साथ हो तो तुम्हें 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिल सकता है. Yours, not yours. Yours बड़ा impersonal सा लगता है. तुम्हारा रूप कुमार. Is that all, sir? That's all for today. Thank you. जाओ ये ले जाओ. प्यून? Yes, madam. इधर आओ. ये फाइल जरा बड़े साहब को दे देना. यस सर. मिस संगीता, मैं उस खत के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ. जवाब तो एमडी देंगे. मैंने उस खत को एमडी के पास भेज दिया. व्हाट? लुक हियर मिस संगीता. यस सर. वो फाइल आज शाम तक मेरी टेबल पे पहुंच जानी चाहिए. यस सर. ये तुम्हारी जाति है संगीता. वो पर्सनल खत था, तुमने बॉस को क्यों भेजा? ये ऑफिस है, यहाँ पर्सनल वर्सनल कुछ नहीं होता है. हाँ हाँ, ये पेपर आज शाम तक टाइप हो जाने चाहिए, समझी? यस सर. इस काम के लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा. यू स्टॉप. शट अप. किसी और लड़की के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, समझे? आपको बड़े साहब बुला रहे हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो. थैंक यू सर. श्रीवास्तव, यू आर अ ब्रेव गर्ल. इतनी सख्त बेरोजगारी में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से अपने मैनेजर की शिकायत करना कोई आसान काम नहीं. आई कैन पनिश हिम. तुम चाहो तो मैं उसे 1 महीने का नोटिस देकर निकाल सकता हूँ. दैट्स योर लुकआउट सर. मुझे उनके निकाले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि आपके ऑफिस में कैसे लोग काम करते हैं. ना जाने कितनी लड़कियों ने इस खत का डिक्टेशन लिया होगा. लेकिन सर, आप उन्हें समझा जरूर दीजिए. चल बंद कर यार, तेरी फाइल 5 बजे. दादा ईमानदारी यार, डार्लिंग यार. बाय. कपूर था. कपूर? सुबह तो किसी मदन की बात कर रही थी. अरे ये कपूर तो स्टेपनी है यार, तू नहीं सुधरेगी. अरे यार, बूढ़ी होने से पहले एक आदेश कर डाल फटाफट. तेरी प्योरियां देखकर कोई लड़का नहीं देख सकता तेरे पास. पहले अपने माथे पर स्त्री कर. बूढ़ी कुंवारी मास्टरनियों की तरह हर वक्त नाक पहुंचाए रहती है. सुनिए, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ. चलिए चलो. बबलू, सुनो सुनो, दीदी आ रही है. सुनो, मैंने बोला ना दीदी आ रही है, अभी डांटेगी तुम लोगों को. चलो किताब पढ़ो. चलो माँ, ये लो इस महीने की तनख्वाह. भाभी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ. और ये दिन में 3 बार लीजिए. राजू, राजू तू भी ले. बबलू ले. वाह, भूगोल की किताब से अंग्रेजी पढ़ी जा रही. हाँ चलो. व्हाट? 1, 2, 3. बस, बड़ा होके बाप जैसा बनना है क्या? हाँ बेटी, बेटी वो बड़ा भाई है, कभी तो उसके बारे में तो अच्छे शब्द भी बोल लिया कर. क्यों क्यों? अच्छा माँ, तुम कोशिश करके बड़े भैया के बारे में 2 अच्छे बोल के देखो. अरे बेटी, नौकरी के पेट पर लगती है जो तोड़ कर लिया है. सारा दिन तो मारा मारा फिरता है बेचारा. बेचारा
जय शंकर परमालिक, मेरे अन्नदाता कैसे हो? अच्छे अच्छे। खुश रहो दाता। अरे रे रे रे, पहले दारू के पैसे तो धर दो इधर। रोज चिकनी चुपड़ी बातें करते हो और मुफ्त में पी के चले जाते हो। अरे कैसी बातें कर रहा है छेदीलाल तू? अरे तू ही तो है जो मेरे दिल का दर्द समझता है। अरे भला पैसा क्या होता है? अरे हाथ का मैल, ये ले। अब उठाओ। उठा। तेरे नाम से पीऊंगा। ए भाई सुन, तुझे पते की बात बताओ नीचे। अरे अरे रे, सुनो तो भैया। एक हफ्ते में नहीं तो एक महीने में तू भी लखपति, मैं भी लखपति। जाली नोट बनाने की मशीन। शेरीलाल तू मेरा दोस्त है ना? जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे शराब उधार कौन पिलाता? मैं। तो फिर एक से सौ बनाने के नुस्खे में मैं किसी और की साझेदारी क्यों करूं? है ना? नहीं। अच्छा है, क्या है? कुल 20 रुपए, सिर्फ 20। 20 रुपए तूने कहा और 20 रुपए मैं निकालता। ये लो 20 रुपए। नहीं नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। 40 मेरे, 40 तेरे। अच्छा ठीक है, ये 20 और 20 40। 40 40, 1 2 3 4 5 6 छह दिन के अंदर 6,000 रुपए। अब मैं चलता हूँ, अगर वो पार्टी खिसक गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ओके, चल पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, चले पैसे निकाल यार। जल्दी पत्ते बांट। अरे पत्ते क्या बांट यार, पहले पैसे निकाल, बिना पैसे कैसे चलेगा? अरे तू पत्ते तो बांट यार, पैसे नहीं यार, बिना पैसे कैसे चले? चल हां चल बांट, चल कर। अरे रोज खेलते हैं। अरे अरे बातें मत करो, खाना खाओ। बहू, संगीता की थाली से ठंडी रोटी उठा ले और ये गरम रोटी दे दे। इन सब बातों से क्या फायदा माँ? उस खाली थाली की तरफ से मेरा ध्यान नहीं हटेगा। भाभी, जो आदमी ना हुआ करे उसके लिए थाली लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये घर है, होटल नहीं है। आज से जो खाने के वक्त घर नहीं होगा उसे खाना नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कहते बेटी, आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़े भाई हैं तो बड़े भाई जैसे काम भी करे। बड़े भाई छोटी बहन के टुकड़े नहीं तोड़ते। ये घर आने का कोई वक्त नहीं है बड़े भैया। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाले? मैं कौन होती हूँ? मैं वो होती हूँ जिसके पसीने में बोर बोर कर आप रोटी खाते हैं। मैं वो होती हूँ जो इस घर में रोटी लाती है। ये तुम्हारे पति का घर नहीं है मैडम, ये तुम्हारी माँ के पति का घर है, यानी कि मेरे बाप का, समझे? तो अपने बाप के घर की दीवारें चाटो और अपने बाप की पत्नी और उसके बेकार बड़े बेटे के परिवार को भी वही दीवार चटाओ। श्री अशोक कुमार जी, घर उसका होता है जो घर चलाता है। ये घर मैं चलाती हूँ, ये घर सिर्फ मेरा है, निकलिए मेरे घर से। संगीता माँ, तुम इस बीच में मत बोला करो। आपको इस घर में रहना है तो मेरी बातें सुनने की आदत डालिए, नहीं तो निकल जाइए। क्या कहा? आई सेड गेट आउट।